Today I will discuss one of the most important topic that's from discourse, features of discourse analysis. Dear students, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिस्कोर्स एनालिसिस की कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये एक रिसर्च मेथडोलॉजी है जो कि एग्जामिनर करता है लैंग्वेज इन यूज़ बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बियॉन्ड जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल, लैंग्वेज का यूज़, इसको एग्जामिनर कौन करता है, डिस्कोर्स एनालिसिस करता है. कुछ की फीचर्स हैं. फर्स्ट हमारे पास है फोकस ऑन लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट. ये एग्जामिनर करता है लैंग्वेज को एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग में, यानी जिसमें सोशल कल्चर में कंसीडर करना, लैंग्वेज को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लैंग्वेज को कंसीडर करता है, यानी नेचुरलिस्टिक सेटिंग में लैंग्वेज को एग्जामिन करना, लैंग्वेज को कंसीडर करना, ये फर्स्ट इसका फीचर्स है. फोकस ऑन लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट. सेकंड फीचर्स है लैंग्वेज का एनालिसिस करना एज अ सोशल एक्शन, यानी जिसमें व्यू किया जाता है लैंग्वेज को एज अ टूल, मतलब सोशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अकम्पलिश करने के लिए लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, जैसे कि परस्यूडिंग, नेगोटेटिंग हो गया, या फिर एस्टैब्लिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज को एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जाता है सोशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो ये हमारे पास हो गया एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एज अ सोशल एक्शन, इसका सेकंड फीचर. थर्ड हमारे पास है एग्जामिनेशन ऑफ पावर डायनेमिक्स. ये इन्वेस्टिगेशन करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है या रिफ्लेक्ट करता है शेप पावर रिलेशनशिप की को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोशल इनइक्वालिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी इसमें पावर डायनेमिक्स को एग्जामिन किया जाता है, यानी ये इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया करके, यानी लैंग्वेज का यूज़ जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है पावर रिलेशन को, कैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल इनइक्वालिटी को, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है आइडियोलॉजी को, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर है अटेंशन टू लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये लिंग्विस्टिक फीचर इसमें आ जाता है, यानी जिसमें इसमें एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है किस चीज़ का, लिंग्विस्टिक फीचर्स का, जैसे कि सिंटैक्स, सिमेंटिक हो गया, प्रैग्मेटिक्स हो गया. अनकवर अंडरलाइंग डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स को अनकवर करने के लिए जो है इन इसका स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, इन फीचर्स का यूज़ किया जाता है. ये लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि सिंटैक्स क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिमेंटिक्स जो मीनिंग वगैरह है, प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज का यूज़ करना. सो ये सब जो है वो अनकवर कर रहा होता है, ये एक फीचर है डिस्कोर्स एनालिसिस का. नेक्स्ट हमारे पास फीचर है डिस्कोर्स एनालिसिस का नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को कंसीडर करना, ये कंसीडरेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया. एनालिसिस में बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, फेशियल एक्सप्रेशंस का आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, गेस्चर्स हो गए, इन सब नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स का यूज़ करना, ये नॉन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को इंक्लूड करना, ये चीज़ यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल नहीं, बोलना नहीं, बल्कि जस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि फेशियल हो गया, गेस्चर हो गया, गेस्चर एक्सप्रेशन से, या बॉडी लैंग्वेज के एनालिसिस वगैरह, ये भी एक फीचर है किसका, डिस्कोर्स एनालिसिस का, यानी कंसीडरेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका फीचर है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्कोर्स पैटर्न एंड यनरॉ और जो डिस्कोर्स पैटर्न है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना. दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस. ये आइडेंटिफाई करता है रिकरिंग लैंग्वेज पैटर्न को और यनरॉज को जो कि स्पेसिफिक डिस्कोर्स कंटेक्स्ट को करेक्टराइज कर रहे होते हैं, यानी ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, लैंग्वेज पैटर्न को, और वो यनरॉज जो कि करेक्टराइज कर रहे होते हैं स्पेसिफिक डिस्कोर्स कंटेक्स्ट को, यानी इसमें किस चीज़ को, पैटर्न्स और यनरॉ को देखा जाता है. इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल प्रॉस्पेक्टिव. डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो क्या अडॉप्ट करता है, क्रिटिकल सेंटेंस जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, लाइक एग्जामिन लैंग्वेज यूज़ इन अ रिलेशन टू सोशल इशूज़ में लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाए, इनइक्वालिटी में लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाए, पावर इम्बैलेंस में लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाए, यानी एक क्रिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स को देखना, ये भी एक फीचर है किसका, डिस्कोर्स एनालिसिस का. इन डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है वो किस चीज़ को देखा जा रहा होता है, ये देखा जा रहा होता है कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है सोशल इशूज़ में, सोशल रिलेशन में, इन इक्वालिटी को एक्सपोज करने में कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, पावर इम्बैलेंस को एक्सपोज करने में कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, डिस्कोर्स एनालिसिस का. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस. आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.